कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे मन में कभी ना कभी आते हैं जैसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा मेरे मन में आता था दैट डू टीचर्स लव ऑल स्टूडेंट्स इक्वली हम हमेशा टीचर्स तो यही कहते हैं कि वी आर नॉट बायस्ड हम सभी स्टूडेंट्स को एक नज़र से देखते हैं बट मैं तो हमेशा ये सोचता था वो नज़र मेरे ऊपर क्यों नहीं पड़ती नेक्स्ट इज डू पेरेंट लव देयर ऑल किड्स इक्वली ये भी कभी ना कभी आपके मन में जरूर ख्याल आया होगा कि क्या मम्मी पापा सिर्फ मतलब मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते या आपके बड़े भाई से ज़्यादा करते हैं आपकी बड़ी बहन से ज़्यादा करते हैं दिस इज़ वन ऑफ द अनदर अनदर थिंग दैट ऑलवेज कीप्स कीप्स इन माइंड एंड थर्ड क्वेश्चन इज डू लीडर ट्रीट ऑल देयर फॉलोअर्स इन द सेम मैनर क्या लीडर जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो सभी फॉलोअर्स को एक मैनर में ट्रीट करता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जनरली लीडर यही क्लेम करते हैं कि वो सभी फॉलोअर्स को एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं दे आर नॉट बायस्ड बट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं लीडर ऑफ एंड एक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल ये बिल्कुल सच है कि जो लीडर्स होते हैं जो टॉप पोजिशन पर बैठे होते हैं वो हमेशा ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से ट्रीट करते हैं ये सिर्फ लीडर्स के साथ नहीं है सोसाइटी में भी आपको नजर आता है कि सोसाइटी डिफरेंट लोगों को लोगों को लोगों की तरह ट्रीट नहीं करती उनको उसके प्रोफेशन से ट्रीट करती है कि वो किस प्रोफेशन में काम करते हैं द टर्म इन्वॉल्व हियर इज़ जो टर्म यहाँ पर मैं बार बार बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टर्म है फेवरेटिज्म फेवरेटिज्म की एक खासियत है ये जब आपके फेवर में होता है ना तो आपको इक्वालिटी नजर आता है आपको लगता है यार क्या बात है और जब ये आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको इनजस्टिस नजर आता है तो ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं वो फेवरेटिज्म के ऊपर बेस्ड है तो थ्योरी सेज दैट ड्यू टू टाइम प्रेशर जनरली यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि टाइम प्रेशर की वजह से क्योंकि लीडर का जो लीडरशिप पोजिशन है वो जनरली कुछ टाइम के लिए आता है चाहे हमारे देश में प्रधानमंत्री भी अगर लोग चुने जाते हैं तो वो पाँच सालों के लिए चुने जाते हैं तो किसी भी के पास भी अगर लीडरशिप पोजीशन आया है तो वो एक टाइम पीरियड के लिए आया होता है तो टाइम प्रेशर की वजह से लीडर करता क्या है दे ऑफन स्टैब्लिश स्पेशल रिलेशनशिप वो स्पेशल रिलेशनशिप बना लेता है विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कुछ लोगों पर के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप बना लेता है और बाकी लोगों को इग्नोर कर देता है मतलब कुछ लोग फेवर्ड लोगों में आ जाते हैं और बाकी के सारे लोग जो है वो इन फेवर्ड लोग में चले जाते हैं तो फेवरेटिज़म का पार्ट है ये थ्योरी फेवरेटिज्म से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है ये थ्योरी तो अब दो तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं मतलब लीडर है पहले तो सेंटर में और फिर उसके बाहर जो उसके इन ग्रुप वाले लोग हैं जिसको वो काफ़ी फेवर करता है उसके बाहर जो है वो बड़े सारे लोग हैं जो आउट ग्रुप में हैं तो इन ग्रुप को क्या फ़ायदे हैं एक तो इन ग्रुप जो है वो ट्रस्टेड उस पर लीडर का बहुत ज़्यादा भरोसा है और उसके बाद उनको ज़्यादा अटेंशन मिलती है लीडर की लीडर के वो कोई भी छोटा सा काम करते हैं तो लीडर उनको अप्रिशिएट करता है देन दे गेट मोर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली सिंस दे आर गेटिंग ऑल द अटेंशन दे विल गेटिंग मोर रिस्पांस मोर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो स्पेसिफिकली चैलेंजिंग वर्क उनको मिल जाते हैं सारे दे आर मोर चांसेस ऑफ प्रमोशन उनको काफी ज्यादा चांस मिल जाता है प्रमोशन मतलब रिवॉर्ड हर तरह का रिवॉर्ड उनके लिए है छुट्टियां उनके लिए है प्रमोशन उनके लिए है एवरी थिंग इज इन देयर पॉकेट दे ऑल्सो गेट मोर रिकोगशन इन द ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे जो इन ग्रुप के लोग हैं चाहे वो थोड़े ही लोग हैं लेकिन दे आर गेटिंग मोर हर तरह का बेनिफिट अगर हम सिंपल सी बात करें रिवॉर्ड और हर तरह का बेनिफिट जो है वो इन ग्रुप के लोग उठा रहे हैं ऑन द अदर साइड जो आउट ग्रुप के लोग हैं उनके साथ क्या है उनको ऑब्वियसली लेस ट्रस्ट आप उन पर भरोसा नहीं करते एंड यू हैव अ वेरी फॉर्मल रिलेशनशिप फॉर्मल रिलेशनशिप का मतलब है हाई हेलो कि बस कहीं दिख गए तो लीडर ने हाई हेलो कर दिया या एक बैकअप टीम की तरह उनसे काम करवा रहे हैं दे गेट लेस वर्क दे गेट लेस रिकोगशन दे गेट लेस रिवॉर्ड्स ऑफ देयर वर्क वो अच्छे लोग हैं इफ़ दे आर वर्किंग बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन सिर्फ वो इन ग्रुप का पार्ट नहीं है इसी कारण से उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता लीडर की तरफ से दे वर्क एज अ बैकअप वो प्योरली एक बैकअप की तरह काम करते हैं कि जब इन ग्रुप में से सब लोग बिजी होंगे तब कभी जाकर आप आउट ग्रुप में से किसी को बुलाकर कोई काम देंगे ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी कहती है तो वट डू लीडर्स डू लीडर करते क्या हैं

वन ऑफ द आंसर इज द बेस्ड ऑन सिमिलर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी थ्योरी तो यही बताती है लेकिन uh, इंडिया में मुझे लगता है इसका जवाब कुछ और है वो अभी मैं आपको बताता हूँ एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी मतलब अगर लीडर की पर्सनैलिटी से उन लोगों जिस जिन लोगों की पर्सनैलिटी लीडर की पर्सनैलिटी से मैच करेगी उन लोगों को हम इन ग्रुप में डालते हैं जबकि जिन लोगों से हमारा मैच नहीं करता या हमारा बिहेवियर उनसे मैच नहीं करता एटीट्यूड मैच नहीं करता वो हमारा तो उन लोगों को हम आउट ग्रुप में डाल देते हैं लेकिन like इंडिया in में आई फील दैट इन ग्रुप का मतलब है यस मैन यस मैन का मतलब क्या होता है जो लोग लीडर की हाँ में हाँ मिलाते हैं जो लोग इंडिया में लीडर की हाँ में हाँ मिला देते हैं वो लोग इन ग्रुप का पार्ट होते हैं जो लोग थोड़ा सा भी जिनके मन में अपनी सोच होती है या जो लोग अपनी बात रखने में बिलीव करते हैं उनको लीडर कहता है भाई तुम बाहर रहो तुम आउट ग्रुप में रहो ताकि हमें आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं चाहिए हमें वैसे लोग चाहिए जो हमारी हाँ में हाँ मिला सके एक्सेप्शन्स होंगे बट मेरे जो एक्सपीरियंसिस रहे हैं वो येस मैन वाले ज़्यादा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप येस मैन शिप करवा रहे हैं तब तक आप इन ग्रुप में हैं जैसे जिस दिन आप आवाज उठाएंगे उसी दिन आप आउट ग्रुप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है इन टू आउट एंड आउट टू इन इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि फॉलोअर्स हु आर आउट ग्रुप जो लोग तो आउट ग्रुप में है ऑब्वियसली वो इनिशियली ट्राई करते होंगे टू बी इन द इनर सर्किल आप याद कीजिए हर हर क्लास में ना कुछ ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो टीचर के फेवरेट होते थे वही बोर्ड साफ़ करते थे वही मॉनिटर बनते थे उस पीरियड में और जो लोग पीछे बैठते थे मेरे जैसे लोग जो पीछे बैठा करते थे उनके मन में हमेशा ये होता था कि यार हम भी कभी कुछ ऐसा करें जिससे मैडम खुश हो जाए हमें कुछ रिवॉर्ड मिले कुछ बेनिफिट मिले हमें क्लास के बाहर ना जाना पड़े तो जो इन ग्रुप वाले जो आउट ग्रुप वाले लोग होते हैं वो इन ग्रुप में आना चाहते हैं ऑब्वियसली क्योंकि उनको बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं ड्यू टू रिवॉर्ड्स उनको वो बेनिफिट उनको रिवॉर्ड शायद उनको वर्क नहीं अच्छा लगता वर्क से वो थोड़ी एक्साइटेड होते हैं बहुत कमी लोग होंगे जो वर्क से एक्साइटेड होते होंगे मेजॉरिटी लोग रिवॉर्ड से एक्साइटेड होते हैं बेनिफिट से एक्साइटेड होते हैं और लेटर ऑन दे ऑल्सो इग्नोर एंड गेट आइसोलेटेड लेकिन बाद में क्या होता है वो एक दो बार ट्राई करते हैं जब वो नहीं ट्राई कर उनका कामयाब होता तो फिर वो कहते हैं इग्नोर मारो यार हम हमसे ये हो नहीं पाएगा तो हम आइसोलेटेड ही ठीक हैं हम नज़र में ना आए वही बेहतर है ऑन द अदर साइड हमें ऐसा लगता है जो इन ग्रुप वाले हैं वो बहुत खुश होते होंगे बट यहाँ पर वो भी बात सच नहीं है द पीपल इन द इन ग्रुप वो भी आउटर ग्रुप में जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ओवर वर्क वो बेनिफिट्स तो काफी इंजॉय कर रहे होते हैं बट हर समय उनको लीडर के आगे पीछे चलना है उनको हमेशा लीडर में हाँ में हाँ मिलाना है उनको हमेशा काम करते रहना है और जैसे ही लीडर बदलेगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो आप ही को होगा इनर सर्कल ही सबसे ज्यादा नुकसान भी झेलेगी तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसी कारण से जो लोग इन में हैं वो आउट जाना चाहते हैं जो लोग आउट में हैं वो इन में जाना चाहते हैं एंड दैट इज़ वॉट एलमिक्स थ्योरी इज ऑल अबाउट थैंक्स फॉर वॉचिंग ये बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाया ड्यू टू बिकॉज ऑफ सर्टेन हेल्थ इशूज़ आई वॉज नॉट एबल टू वर्क बट थैंक्स टू ऑल योर विशेज आई रिकवर्ड एंड आई होप आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज़ ऑन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ मैनेजमेंट थैंक यू